हाय दोस्तों, मैं अनु कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग ग्रुप में। आज फिर छोटा सा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगर आप JSSC और एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं छोटा सा रिलेटेड, तो उसकी मदद आप अपने हेल्प के लिए ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ के पहली प्रकाशन कहिया भेल रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन कौन करल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर रामधन प्रकाशन गांगजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक क्या लागत? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता शामिल करल गेल है? इसका आंसर आपका डी नंबर होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमिन सब एक कविता ककर लिखल लागे? इसका आंसर आपका होगा डी नंबर श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुसल भोला कविता कवि लागत? इसका आंसर आपका बी नंबर होगा संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान कविता के लिखल हत? इसका आंसर आपका डी नंबर होगा महेश गोलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगू करब आप देश कर कवि के नाम बताओ? इसका आंसर आपका सी नंबर होगा सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय ईटे मंदिर मस्जिद ओहे ईटे चर्च जय अर्थ है कुरान पुराने ओहे अर्थ ई इंड लविन कौन कविता आयल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमीन सब एक बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड के बेल बटन नुनू बैंड डियर फूल गेल कौन कविता में आयल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ढंडनच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमू लागो चाचा बेटा हमू करब चास कौन कविता के असरान लागे? इसका आंसर आपका ए नंबर होगा चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय जुवान देशक शान तोय सपूत देशक मान देशक लेल माटी खातिर करे तोय नहुक दान ई कविता खेचाक कवि का कविता का नाम बताओ? इसका आंसर आपका डी नंबर होगा देशक जुवान प्रोफेसर विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखक सूर्य सुखे खांसी आर छुनु मुनु मुनी हमार ककर लिखल कविता लागे? ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर बंसी लाल बंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शरण विश्वकर्मा कौन कविता लिखल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर व्यंग फिंगाटी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेक फूट ककर लिखल कविता लागे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर पैतोष कुमार प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ बनीता कविता कवि नाम बताओ? इसका आंसर आपका सी नंबर होगा अतुल चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ दसवंधी राज कौन कविता लिखल हत? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर तनी सुन रे मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी छोर कविता का कर लिखल लागे? तो इसका आंसर आपका सी नंबर होगा पारस नाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला आर चार कविता के लिखल हत? इसका आंसर आपका बी नंबर होगा सचिन कुमार महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबे हमें कभी नहीं ककर लिखल कविता लागे? इसका आंसर आपका सी नंबर होगा ए के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में ढेसा ढेसी छोड़ कविता ककर लिखल लागे? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर पारसनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेक फूट कविता के लिखल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर परितोष कुमार प्रजापति। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।